अस्सलाम वालेकुम। हम सभी सब खैरियत से हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज बनाते हैं भजिए की कढ़ी, दही की कढ़ी। ये देखिए मैंने 3 चम्मच बेसन लिया हुआ है और पूरी 1 कटोरी दही है और 1 चम्मच हल्दी है। और ये जो नमक मैं ले रही हूँ ये स्वाद अनुसार ले रही हूँ, और वो भी इस वजह से ऐसा इतना कम ले रही हूँ क्योंकि हमें भजिए में भी मैंने नमक डाला हुआ है, तो दोनों मिला के नमक बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसको फेंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं बेसन के भजिए की कढ़ी जो बहुत ही स्पेशल है। आज ये 2 कटोरियों मैंने बेसन ले रखा है और ये 2 कटोरियों का बेसन मैं इसमें डाल लूँगी, और फिर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा मुझे नमक डालना है स्वाद अनुसार, और हल्की सी मिर्चा डालना है। ये देखिए मैं इतना सा सिर्फ नमक ले रही हूँ क्योंकि मुझे कढ़ी में भी नमक डालना है बस, और थोड़ा सा जैसे टेस्ट के लिए जो ज़्यादा तीखी ना लगे तो इसमें हल्की सी मिर्च डालेंगे बस इतनी सी। ओके, ये देखिए दोस्तों मैंने इसके सहायता से इसको फेंट लिया है बेसन को, और फेंट बेसन को कम से कम 5-7 मिनट ऐसे खूब अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसकी जो फुटकियाँ जो होती हैं बेसन की जो होती हैं सब इसमें मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा लज़दार बेसन हो जाए, ताकि उसमें ना जब फुलके जब हम फ्राई करेंगे ना भजिया को तो उसके अंदर ना जो गाठी होती है ना तो वो नहीं बनेगी। चलिए अब इसको कम से कम 5-7 मिनट ढक के रख देते हैं। देखिए मैंने बेसन को फेंट लिया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है बेसन दही हल्दी वगैरह सब मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं पानी डाल अभी मैं पानी डालूँगी, पूरी 1 बोतल मैंने लिया है, 1/2 लीटर की बोतल है, पूरी 1/2 लीटर की बोतल मैंने पानी डाल दिया है। और इसको फिर से मैं इसको मिला लूँगी, ऐसे मिक्स करूँगी ताकि पानी और बेसन बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसमें गाठियाँ ना बने बस। अब चलिए इसको रखते हैं गैस पर। ये देखिए मैंने बाद में थोड़ा सा टेस्ट के लिए मिर्चा भी डाली हुई है, हल्की सी लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है, और बस इसको चलाते रहना है ऐसे 2 से 3 मिनट तक, और पूरा ये बराबर मिक्स हो जाएगा। इसको छोड़ देना है हर 1-2 मिनट के बाद इसको चलाते रहना है इस वजह से क्योंकि इसमें गाढ़ करना पड़े, ठीक है। देखिए ये उबाल आ रहा है, अब इसको ऐसे हम 2-3 बार चम्मच से ऐसे चलाएँगे। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आया है, दही प्यारा कलर आया है, डार्क डार्क। और इसको ऐसे चलाते रहेंगे कम से कम ऐसे ही 20-30 सेकंड के लिए ताकि इसमें गाठी ना पड़े। इसको छोड़ देंगे बस, इसके बाद फिर से हम चलाएंगे। अब देखिए ये तेल हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब इसमें हम बिस्मिल्लाह इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। ऐसे करके बराबर बराबर डालते रहेंगे। सारी पकौड़ियाँ ऐसे डाल लेंगे बराबर से, देखिए ये कढ़ी पक गई है। इसमें हमने ये भुना हुआ जीरा डाला है, अभी भुना हुआ जीरा जो है इसको ऐसे डाल के ऐसे चला देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि और खुशबू आ जाएगी।
ये कढ़ी बन के देखिए तैयार हो गई है। बस इसमें भजिया डालनी है फ्राई करके। अब देखिए भजिया बन के तैयार है, इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। और बहुत ही ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ब्राउन कलर। इस तरीके से मैं सब निकाल लूँगी। बस अब देखिए इन सारी भजियों को मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको ऐसे करके सबको मिक्स कर लेती हूँ। और बस 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ढक के पकने देना है। ये देखिए मैंने 6 से 7 खड़ी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए मेथी बस 1 चुटकी ली है, ये 1 गाँठी प्याज है, ये 5 से 6 है हरी मिर्च, ये कड़ी पत्ता है। चलिए अब मैं फ्राई कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। अब इसको प्याज को ब्राउन होने तक पकने देंगे। अगर प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको कढ़ी में डाल देती हूँ, फिर छौंक लगा देती हूँ। अब देखिए ये कितनी ही अच्छी बनी है, कितनी ही कलर अच्छा आया है कढ़ी का। अब चलिए चावल के साथ मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट है, ये देखिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी हुई है। एक बार आप घर पे बना के देखें हैदराबादी स्टाइल में ये कढ़ी, और खुद खाएं दूसरों को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़। चलिए फिर दूसरी नेक्स्ट डिश लेके आते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़ लाइक। ओके, अल्लाह हाफिज़।